हाय फ्रेंड्स, मैं दीपा। आज हम ये बिगोनिया प्लांट कैसे ग्रो करना है और इसका केयरिंग वगैरह कैसे करना है इसके बारे में देख लेते हैं। बिगोनिया प्लांट वैसे बहुत इजीली ग्रो करने वाले एक प्लांट में से एक है और बिगोनिया का वैसे थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज अवेलेबल है, लेकिन नॉर्थ में मैं इतना नहीं देखा। वैसे जहाँ पे थोड़ा ह्यूमिडिटी वगैरह होता है, थोड़ा अच्छा शेडी एरिया में सब बहुत अच्छे से ग्रो होता है। एक्चुअली मैं केरला से बिलोंग करती हूँ, तो केरला में बहुत अच्छे से बिगोनिया का बहुत सारे वेराइटीज नॉर्मली हर एक घर में अवेलेबल है, जो भी प्लांट लवर्स है उनके पास। तो लेकिन नॉर्थ में बहुत कम वेराइटी हमें देखने को मिलता है। इधर का क्लाइमेट के हिसाब से आई थिंक ये प्लांट शायद सूट नहीं करता होगा, क्योंकि नर्सरीज में भी इतना ये फ्लावरिंग प्लांट्स छोड़ के और कोई वेराइटी मैंने इतना नहीं देखा। तो ये वाला जो है ये मैंने अभी दो तीन साल से ग्रो कर रही हूँ, ये बहुत अच्छे से हमारे पास ग्रो होता है, बहुत ज्यादा केयर भी नहीं डिमांड करता है। एक बार ऐसे लगा के दे दो, उसके बाद हमें बहुत कुछ ऐसे केयर का जरूरत नहीं है इसमें। और इसका जो पॉटिंग मिक्सचर तैयार करने का टाइम है, आपको ये ध्यान रखना है वेल ड्रेन्ड मिट्टी हमेशा यूज करना है। और मैं तो जो कोकोपीट गार्डन सॉइल और जो वर्मी कम्पोस्ट ये मिला के जो मिक्स यूज करता है, कोकोपीट नहीं है तो आप सैंड यूज कर सकते हैं, और वर्मी कम्पोस्ट नहीं है तो काउडंग कम्पोस्ट यूज करता है। और ये तीनों मिक्सर बना के आप पॉटिंग मिक्सर तैयार करेगा तो वो अच्छा वेल ड्रेन्ड होता है, तो वो मिट्टी इनके लिए सफिशियंट है। और ये कोई ऐसे फंगल अटैक का वगैरह शिकायत आपके पास है तो उसके लिए आप कोई ट्राइकोडर्मा या सांप जैसे कोई ऐसे वो केमिकल है, ऐसे ट्राइकोडर्मा ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं होता। तो ऐसे जगह मतलब जो भी ऐसे एंटी फंगल पाउडर है वो एक दो पिंच ऐसे उसमें वो जो मिट्टी प्रिपेयर करते हैं उसमें डाल के दे देना, नहीं है तो वैसे एक मुट्ठी ऐसे हर उसमें नीम खली का भी वो मिक्स करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसे भी जो आपका मिट्टी में कोई कीड़ा वगैरह है तो वो खत्म हो जाता है और उसका ज्यादा आपको मतलब नुकसान नहीं करेगा वो चीजें, तो वो चीज भी ध्यान रखना। तो ऐसे अगर मिट्टी प्रिपेयर करेगा तो ये प्लांट आपके पास आराम से अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और ये पॉट ना बहुत ऐसे ज्यादा ग्रो नहीं करता, तो आपको 6 इंच का पॉट या 8 इंच का मैक्सिमम, उसे ज्यादा बड़ा पॉट का भी जरूरत नहीं है। और हमेशा ये ध्यान रखना मिट्टी का पॉट में लगाएगा तो पौधा थोड़ा ज्यादा अच्छा चलता है, क्योंकि मिट्टी के पॉट में ना पानी अगर एक्सेस आपने डाला है तो वो थोड़ा इवेपोरेट होके साइड से सब निकल जाता है, तो आपका प्लांट खराब नहीं होगा। ये प्लांट का मेन एक प्रॉब्लम है, ये अगर ज्यादा पानी पड़ गया तो ये गल जाता है, तो उसमें बस पानी आपको थोड़ा देख के डालना होता है। और ये मिट्टी ऊपर का लेयर नहीं, थोड़ा नीचे तक ऐसे आप मिट्टी निकाल के देख लीजिए, अगर नीचे का सॉइल भी 1 इंच तक अगर आपका ड्राई रहता है तब भी आपको इसमें पानी देना है, नहीं तो पानी इतना फ्रीक्वेंटली देने का जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन समर में बहुत आपको मतलब वो देख के आपको पता चलेगा प्लांट का कंडीशन कि प्लांट खुद ही पानी डिमांड करता है, तो आपको वो अंदाजा मतलब पता चलेगा, तो उस टाइम में आपको पानी डाल के देना है इसमें। और जो फर्टिलाइजर भी इतना ज्यादा डिमांड नहीं करता है, 2-3 महीने में एक बार वर्मी कम्पोस्ट या काउडंग कम्पोस्ट कोई भी नहीं है तो वो अवेलेबल नहीं है तो लिक्विड कम्पोस्ट को लिक्विड फर्टिलाइजर्स कोई भी आप ऐड करके दे सकते हैं। तो फर्टिलाइजर्स में यही सब आपको ध्यान रखना है। और प्रोपगेशन भी इसका बहुत ईजी है, वैसे बारिश का टाइम में और ये मार्च फेब मार्च में भी ये बहुत आराम से कटिंग से ग्रो होता है। ये हाँ दिसंबर में सॉरी जनवरी में भी आप इसका कटिंग निकाल के लगा सकते हैं, ऐसे एक छोटा सा पीस आप ऊपर से काट के बस मिट्टी में छोटा सा ऐसे जगह बना के ना उसमें दबाने से बहुत अच्छे से वो प्रोपगेट हो जाता है। हाँ, तो प्रोपगेशन के बारे में बस यही है। और ये जरूर ये कोई लीफ का भी ना एक ऐसे एक लीफ भी मिलेगा तो आप उसे भी ये प्रोपगेट कर सकते हैं, लीफ से भी ये बहुत अच्छे से प्रोपगेट हो जाएगा। लेकिन मैंने जो भी ऐसे लगाए ये सारे छोटा सैपलिंग लेके ऐसे मैंने लगाया, ये 8 रुपीज 10 रुपीज ऐसे प्राइस में मुझे मिला था, तो वही लगा के मैंने ग्रो किया था। और ये बहुत अच्छे से ये थोड़ा 1 फुट तक ऐसे हाइट में जाता है प्लांट, और बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो जाता है। ये देख लीजिए, ये मैंने 1 मंथ पहले कटिंग लगाया था, एक छोटा सा पीस लेके ऐसे मिट्टी में दबा के रखा था, तो देखिए इसमें अच्छे से रूटिंग हो गया
ये बहुत ईजीली ऐसे कटिंग से लगा सकते हैं हम। बहुत ज़्यादा बड़ा पीस का भी ज़रूरत नहीं है, छोटा सा एक पीस लेके आपको कहीं से मिलेगा तो ये ऐसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स पसंद करते हैं, नहीं तो ऐसे थोड़ा ग्रीन फोलियज में भी ना ये बहुत अच्छा लगता है। अगर फ्लावर नहीं है तो भी बिगोनिया प्लांट बहुत सुंदर दिखता है ऐसे गार्डन में। तो सभी एक बार ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी टू ग्रो है ये वाला प्लांट। और जरूर पॉटिंग के लिए आप मिट्टी का ही गमला यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बिगोनिया प्लांट के बारे में बस यही सब है बताने के लिए, तो आप सभी ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी टू ग्रो वाला प्लांट है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।